सीटीवी न्यूज। बुलंदशहर के कुलावटी में अभी दो दिन पूर्व लग्न सगाई वाले दिन हुई प्रतीक की हत्या के मामले में गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित परिजनों एवं सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने यहां थाना कोतवाली कुलावटी में पुलिस का घेराव किया, विरोध में नारेबाजी की तथा पुलिस इंस्पेक्टर से हाथापाई करने का प्रयास किया। बता दें कि घटना में दर्ज FIR में प्रतीक की हत्या उसी के दोस्त नितिन, उसकी मां नीतू एवं अन्य दो अज्ञात लोगों पर करने का आरोप है। हालांकि पुलिस ने घटना वाले दिन में नामजद नीतू को हिरासत में ले लिया था, परंतु घटना को तीन दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस द्वारा नीतू का चालान करने तथा शेष तीन आरोपियों की गिरफ्तारी भी अभी तक न करने पर आज प्रतीक के परिजनों एवं अन्य लोगों में आक्रोश पैदा हो गया है, जिसके चलते आज कोतवाली गुलावटी पर इन लोगों ने काफी उग्र प्रदर्शन किया। ऐसे बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। मेरे प्रतीक की सगाई हुई थी 22 तारीख को रात को 9 बजे, फोन करके उसे बुलाया गया और नितिन बाटा ने उसका कत्ल कर दिया। घर के बाहर ही निकला था, वहीं पर गोली मारकर हत्या कर दी। हम सारे लोग वहीं पर खड़े थे, मेरे सामने नीतू सिंह ने, जिसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, उसकी सारी लड़कियों को मैं जानती हूँ, उस लड़के ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया। वहीं पर तीन गोली मारी, पहली पैर में मारी थी, मेरे सामने में भागी थी, उसे वो गोली मार के भाग गया था। क्या पुलिस ने अभी किसी को गिरफ्तार किया है? उसकी माँ को यहाँ बैठा के रखा, 4 दिन हो गए हैं यहीं बैठी है माँ, उसकी खातिरदारी करी जा रही है, पैसा खा करके बैठा रखा है उसे यहाँ पर, उसका कुछ भी नहीं हुआ है उसे अब तक। क्या किया गया, क्या क्या उसे ये नहीं पता तेरा बेटा कहाँ पकड़ा गया? बेटा उसके जो भी लोग थे, मुझे 3-4 लोग वहाँ सड़क पर खड़े थे, आगे गाड़ी में वो औरत भागी है, वो लड़का बाइक पर भागा है, मैंने देखा है, वो अकेला बाइक पर गया और वो चार और आदमी और वो बाइक अभी I-20 मैंने सारी देखी है सब। अभी क्या आश्वासन मिला है आपको पुलिस से? आश्वासन मिला है कि परसों 10 बजे तक हम उस लड़के को पकड़ लेंगे, नहीं तो यहीं आकर आप जो चाहे कर लेना। और मुझे इस आश्वासन में पूरा बिल्कुल भरोसा नहीं है पुलिस के ऊपर, जब 4 दिन से कुछ नहीं करा तो अब क्या करेगी? आए हैं, क्या मामला है? मामला बहुत संगीन है, हमारे बच्चों को मार दिया है, छोटे से कोई बात नहीं हुई, उसके अलावा भी मार दिया। मारने के बाद में जो मेन मुलजिम है लड़के की माँ, वो थाने के अंदर बैठी है, पंखे के नीचे बैठी है, पहली बात की है। दूसरा, इंस्पेक्टर साहब ने हमें परसों 10 बजे तक का टाइम दिया है, अगर परसों 10 बजे तक लड़का गिरफ्तार नहीं करा उन्होंने तो हम पूरा समाज गुलावटी का, पूरी गुलावटी की जनता रोड पर उतरी आएगी और कानून अपने हाथ में लेने के लिए भी तैयार रहेंगे। हमें पता है कितना दुख है, लड़का हमारा गया, पुलिस का नहीं गया और उसे चाय बुलवा रहे बैठा के। क्या आश्वासन आपको मिला है आज? आश्वासन इंस्पेक्टर साहब ने हमें परसों दोपहर 10 बजे तक का दिया है कि परसों दोपहर 10 बजे तक हम हर हालत में